बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर आप इस्तखारा या रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं तो रब्ता कर सकते हैं। जादू, जिन्नात, शयातीन, बंदिश, औलाद का नाफरमान होना, सब अगर आपके घर में ऐसे मसाइल हैं तो एक दफ़ा ज़रूर रब्ता करें, इस्तखारा करवाएं और अल्लाह के हुक्म से जो भी इस्तखारे में आएगा इंशाल्लाह आपको बताया भी जाएगा और आपकी मदद भी की जाएगी। आज का अमल शुरू करने से पहले अहदीस मुबारक अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये ना सोचो कि अल्लाह तुम्हारी दुआ को फौरन कबूल क्यों नहीं करता, ये शुक्र करो कि तुम्हारे गुनाहों की सज़ा फौरी नहीं देता। तो हर लिहाज से अपने रब का शुक्र अदा किया करें। अपने प्यारों को पाने के लिए ख़ास नक्श और छोटा सा वजीफ़ा भी। इस नक्श को आप सफ़ेद कागज़ पर बना लें और या वदूद को अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूद शरीफ़ के साथ आपने 33 मरतबा पढ़ना है और उसके बाद नक्श के ऊपर आपने दम करना है। अब इस नक्श को आपने सुर्ख कपड़े में लपेट कर अपनी बाजू पर बांध लेना है। ये नक्श बहुत ख़ास है, या वदूदू का ये नक्श ख़ास नक्श है। इस नक्श का इस्तेमाल तब करना है जब आपको अपने प्यारों को पाने की ज़रूरत हो। बहुत सी बहनें मेरे पास आती हैं, भाई आते हैं, उनके प्यारों ने उन्हें ब्लॉक कर दिया, स्टॉप कर दिया, या उनको उन्होंने इतनी अहमियत ही नहीं दी कि दोबारा उनसे वो रब्ता कर सकें या बात कर सकें। इतनी नफ़रत, इतनी कहते हैं ना कि इतनी नफ़रत उनके दरमियान में पैदा हो गई कि वो उनकी सोच इस कदर बदल गई कि वो हैरान हो गए। तो ये अमल उन लोगों के लिए है। तो इंशाल्लाह ताला आप ये ख़ास अमल ज़रूर करें तो आप देखिएगा इंशाल्लाह आपका प्यारा फौरन आपको अनब्लॉक कर देगा। ये अमल 3 दिन आपने करना है।